हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ एक्सपर्ट में जूम एंड पैन टूल ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लैंक पेज दिया है, हम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। फाइल मेन्यू पर क्लिक कीजिए, इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस दिए हैं, आपको अपनी पसंद की इमेज सेलेक्ट करके इंपोर्ट पर क्लिक करना है। इंपोर्ट पर क्लिक किया, आप देख सकते हो इस तरह से इमेज दिख रही है, हमें ड्रैग करके इंपोर्ट करनी है। जैसे हमने यहाँ पर दोनों इमेज ड्रैग करके इंपोर्ट की, अभी हम इमेज को एडजस्ट करना है फर्स्ट वाली इमेज के नीचे, तो हम ड्रैग करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। अभी हम आज पढ़ेंगे जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन आपको टूल बॉक्स में दिया है, जूम पे क्लिक कीजिए। उसकी शॉर्टकट की है जेड, डायरेक्टली कीबोर्ड में से जेड प्रेस करके भी आप कर सकते हो, और इमेज के ऊपर ड्रैग करोगे तो वो जूम हो जाएगा। अगर जूम आउट करना है तो माउस का राइट क्लिक प्रेस करोगे तो जूम आउट हो जाएगा। अगेन हम नेक्स्ट इमेज को जूम करते हैं, जूम हो गया। आपको ऊपर प्रॉपर्टी बार में जूम आउट ऑप्शन और F3 दिया हुआ है, वहाँ से भी हम जूम आउट करके साइज़ चेंज कर सकते हैं, एक्चुअल साइज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, और शिफ्ट लेफ्ट क्लिक करके भी हम जूम आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम इमेज को जूम आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन दिया है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज दिए, वहाँ से भी हम जूम कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से 200 दिया, 100% दिया, इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं जूम आउट करके, एक्चुअल साइज़ में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम राइट क्लिक करके भी हम जूम आउट करेंगे इसको। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, उसके लिए हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और अभी हम जूम पे क्लिक करेंगे और जूम टू सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्टेड एरिया है वो जूम हो जाएगा। आप देख सकते हो जूम हुआ है। उसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है जूम टू ऑल इमेजेस, ऑल पे क्लिक करोगे, पहले हम जूम आउट कर लेते हैं। जैसे हमने इमेज को सिलेक्ट किया, अभी ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जूम ऑल होगा। पेज साइज पे जूम करना है तो पेज साइज पे क्लिक कीजिए, और जूम टू विड्थ साइज, पेज की विड्थ साइज पे क्लिक करोगे विड्थ साइज, और लेंथ साइज पे क्लिक करोगे यानी कि हाइट पे क्लिक करोगे तो जूम टू हाइट, पेज की हाइट के हिसाब से जूम होगा। इस तरह से जूम ऑप्शन वर्क करता है। उसके बाद आपको दिया है पैन टूल यानी कि हैंड टूल, उसकी शॉर्टकट की है एच। एच यानी डायरेक्टली कीबोर्ड में से एच दे के आप हैंड टूल जैसा कुछ सिंबल आपको दिख रहा है वो आ जाएगा। अगर आप हैंड टूल का यूज़ ये रहता है कि आपको इमेज को मूव करना है, हम पहले जूम कर लेते हैं, जूम किया, अभी आपको इमेज को मूव करना है तो हम सीधा ही यहाँ से मूव कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से जूम किया और अभी हम मूव करेंगे, हैंड टूल आ गया, अभी आपको मूव करना है, जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में आप यहाँ से मूव कर सकते हो। आप देख सकते हो मूव हो रहा है, ड्रैग हो रहा है। थैंक यू।